हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड अवीन। आज के मैं इस वीडियो में नाइन ऑफ कैंपस हायरिंग अपडेट लेके आ रहा हूँ, जो कि मल्टीपल रोल्स के लिए आ रही है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल के जो रिसेंट वीडियो है, अगर आपने वहाँ पर नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज जाके एक बार चेक करें। बहुत सारी कंपनी की अभी भी अप्लाई लिंक एक्टिव है एंड आपका कोई भी इंपॉर्टेंट ड्राइव मिस ना हो जाए। बहुत सारे ऑफ कैंपस अपडेट मैंने दिया है चैनल के रिसेंट वीडियो में, तो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए चैनल के रिसेंट वीडियो। आज की जो फर्स्ट अपडेट है वो कलर टोकन कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रॉल के लिए एंड यहाँ पे बैंगलोर इसकी जॉब लोकेशन है। हाइब्रिड मोड है, परमानेंट जॉब है आपकी। बीटेक एंड एमईएमटेक स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है एंड रिक्वायर्ड स्किल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एंड जो प्रेफर्ड स्किल्स है गुड टू है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। 75% होना चाहिए थ्रू आउट द एकेडमिक्स। 7 LPA की आपके यहाँ पे CTC पैकेज है। ओके तो ये बिग अपडेट है कलर टोकन कंपनी के लिए। जरूर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप 3 to 4 LPA की कोई पैकेज ऑफर है आपके पास तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। यहाँ क्रैक करें, 7 LPA की ये जॉब है। आप जॉब कर रहे हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई करके आप इसे क्रैक करें। 7 LPA बहुत ही अच्छी पैकेज है। आप जब लाइक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे से 7 LPA करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बट डायरेक्ट आप ज्वाइन करते हो 7 LPA, फिर यहाँ से स्विच करोगे तो आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा। तो अपने फ्रेंड के लिए भी जरूर सजेस्ट करें ये जॉब 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट। जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिप्लिकॉन कंपनी की तरफ से आ रही है। रिप्लिकॉन कंपनी ने यहाँ पे QA इंटर्न इंजीनियर रॉल के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। रिप्लिकॉन की एक अपडेट मैंने इस वीडियो में भी दिया था। ओके यहाँ पे प्रोडक्ट सपोर्ट रॉल के लिए था, जहाँ पे BSc BCA स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे BBTEC स्टूडेंट एलिजिबल है। इमीडिएट यहाँ पे ज्वाइनिंग आपका होने वाला है। 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट एलिजिबल है। बीबीटेक के साथ साथ एमसीए एमएससी स्टूडेंट भी एलिजिबल है। एमटेक स्टूडेंट भी एलिजिबल है CSIT बैकग्राउंड के। ओके सीजीपीए यहाँ पे लाइक 7 और 75% यहाँ पे चाहिए। ओके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए 65%, ये आपके लाइक ग्रेजुएशन में ये सीजीपीए चाहिए। एंड एकेडमिक रिकॉर्ड 65% एंड अबव मे बी 10th 12th का यहाँ पे इनका मतलब है। ओके या सो ये अपडेट है इनका। फर्स्ट 6 मंथ आपको एज ए ट्रेनी करना है काम, जिसमें आपकी पैकेज 3.3 LPA की होगी। 25,000 इन हैंड आपको मंथली सैलरी मिलेगा। उसके बाद आपका जो ऑफर है वो हो जाएगा 5.15 LPA एंड 4.75 उसमें फिक्स होगी, प्लस 40K बोनस होगी। उसके बाद आप यहाँ पे पोजीशन ओवरव्यू, डिजायर्ड स्किल्स, व्हाट यू विल लर्न, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर यहाँ अप्लाई करें। जो नेक्स्ट अपडेट है वो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए आ रही है कैपजिनी कंपनी में। कैपजिनी ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला है फ्रेशर्स, और आपके पास अगर 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गुरुग्राम इसकी जॉब लोकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्राइमरी स्किल्स चेक कर सकते हो, सेकेंडरी स्किल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। परमानेंट जॉब है तो डेटा एनालिस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर दे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आई गेस यहाँ पे एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है। सो एनी ब्रांच एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिलायंस कंपनी की तरफ से आ रही है। जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रोल है। 3.5 LPA से लेके 5 LPA की यहाँ पे जॉब है। ओपनिंग 100 है। ओके एंड यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल है। 2020 2021 एंड 2022 बैच स्टूडेंट। ओके बीबीटेक के साथ साथ एमसीए स्टूडेंट भी एलिजिबल है। 70% आपका होना चाहिए 10th 12th में, 60% आपका होना चाहिए आपके बीबीटेक या फिर एमसीए आपने कुछ भी करा हो। तो ये अपडेट है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो रिलायंस कंपनी के लिए। जो नेक्स्ट अपडेट है वो ओला कंपनी की तरफ से आ रही है। ओला ने यहाँ पे SDET 1 एम्बेडेड टेस्टिंग रोल के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। यहाँ पे बेंगलुरु इसकी जॉब लोकेशन है। वर्क फ्रॉम ऑफिस है, नो हाइब्रिड वर्क फ्रॉम और वर्क फ्रॉम होम। एंड यहाँ पे आप फ्रेशर्स हो या फिर आपके पास 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इनके कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आप एक बार जरूर चेक कर लेना वीडियो पॉज करके। तो फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट ओला के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो क्विकिल कंपनी की तरफ जा रही है। क्विकिल ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल फ्रेशर्स, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ये स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता रहे हैं, ओके रिक्वायर्ड स्किल्स बता रहे हैं, तो वो सब आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। जो नेक्स्ट अपडेट है वो एचपी कंपनी की तरफ जा रही है। एचपी ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है टेस्ट टूल डेवलपर रोल के लिए। सो टेस्ट टूल में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी स्किल्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे एलिजिबल है। रिक्वायर्ड स्किल्स आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। जो नेक्स्ट अपडेट है वो पाइथन ऑटोमेशन इंजीनियर रोल के लिए आ रहे हैं UST कंपनी में, जिसकी पैकेज आपकी 2.5 से 3 LPA की होगी। बीबीटेक स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। एमएससी स्टूडेंट भी एलिजिबल है। CSIT EC एंड EEE ब्रांच 2020 बैच से लेकर 2022 बैच स्टूडेंट तक यहाँ पे एलिजिबल है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड जिनको पाइथन में स्किल्स है, इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
आज की जो लास्ट हायरिंग है ऊबर कंपनी की तरफ से आ रही है। ऊबर ने यहाँ पे SQRC स्पेशलिस्ट रोल के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है हैदराबाद। इसकी जॉब लोकेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। व्हाट यू यू नीड लाइक आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स आप यहाँ पे उनके देख सकते हो। फ्रेशर्स एलिजिबल है, 1 ईयर तक एक्सपीरियंस, कैंडिडेट भी एलिजिबल है। बैचलर डिग्री एनी ब्रांच स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको आज की अपडेट अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही लेटेस्ट हायरिंग अपडेट के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।